गुड हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को आज की लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, आज के कमांडो ट्रेनिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मैं सुमेधा मलिक जमशेदपुर झारखंड से, और मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स के आज के लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, आज के जो हमारे कमांडो सेशन ट्रेनिंग पे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के पर आए हैं आप सभी लोग, वास्तव में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ के जीतना चाहते हैं। जिंदगी का बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये एक ऐसा जरिया है जहां आपकी जिंदगी जरूर बदल सकती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने भी आपको आज के मीटिंग का लिंक भेजा है, आपके आज के ट्रेनिंग सेशन का लिंक भेजा है, उसको आप थैंक यू जरूर बोलिएगा, क्योंकि आज आप उनके माध्यम से एक बहुत ही शानदार सेशन, एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग देखने जा रहे हैं, उससे मिलने जा रहे हैं, उससे रूबरू होने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सेशन है, ये जो सिस्टम है, यहाँ लाखों लोगों ने इस सेशन से, इस ट्रेनिंग से बहुत सारे लोग अपने जिंदगी को बदला है, और लाखों लोग अपने जिंदगी को बदलने के रास्ते पर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग 30 से 40 मिनट इस सेशन को पूरे ध्यान से फिजिकली और मेंटली मौजूद रहिएगा, और पूरी मीटिंग को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी, इतनी शानदार ट्रेनिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, कि आज आप सभी पार्टिसिपेंट्स ने अपने लिए समय निकाला है, खुद के लिए समय निकाला है। दोस्तों, आप सभी लोग आज के सेशन पर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कहते हैं ना दोस्तों, कि कुछ कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जी हाँ, आज इस सेशन को आप क्योंकि के एक ग्रेट डायनेमिक लीडर, आज मैं उनको इनवाइट करना चाह रही हूँ जो आज के सेशन को लेंगे। एक ग्रेट पर्सनालिटी जो जमशेदपुर झारखंड से है, जिन्होंने एक बहुत ही शानदार तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड किया है, और झारखंड के सबसे पहला शॉपी यानी कि जमशेदपुर में ओपन हुई है उनके माध्यम से। तो मोस्ट वेलकम राहुल श्रीवास्तव सर फ्रॉम जमशेदपुर झारखंड, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सुमिता, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतने बेहतर तरीके से इनवाइट करा। सो दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल श्रीवास्तव जमशेदपुर झारखंड से हूँ और इस बिजनेस को पिछले 7 महीने से लगातार लगातार कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आगे कुछ भी बोलने से पहले मेरे जो गॉड अपलाइन है जो भी जोसेफ सर, उनको बहुत बहुत नमन करना चाहूंगा जिनके माध्यम से नॉर्थ इंडिया में हमारा बिजनेस आया। हमारा एक्साइटमेंट के पावर हाउस, सभी लोग के इंस्पिरेशन आर के मनहर सर, जो कि कहीं ना कहीं एक इतिहास रच दिए हायरीच ऑनलाइन शॉपिंग में, उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा कि आज का ट्रेनिंग मुझे देने का मौका मिला उनके माध्यम से। इसके बाद मैं बात करूंगा राहुल नरकर सर, जो हमारे साथ लास्ट 4 डेज हम लोगों के साथ समय दिए और यहाँ झारखंड में बहुत सारा हम लोगों ने शॉपी ओपनिंग करा और उनके साथ एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस रहा। सो थैंक यू सो मच राहुल सर, आपने इतना लंबा टाइम हम लोगों के साथ गुजारा और हम लोगों को बहुत कुछ सिखा के गए। रामनिवास पटेल सर, ग्रेट सर, सैल्यूट है आपको कि आपका गाना और आपका जो इंस्पिरेशन और आपका जो हम लोगों को टीचिंग मिला, वो कहीं ना कहीं पूरी टीम को मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ और सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप आसानी से बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाईरिच को बता सकते हैं। तो रामनिवास सर को बहुत बहुत थैंक यू। और उसके बाद में हमारे जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर में हमारे सारे ग्रेट अपलाइन है, राजीव रंजन सर, हमारे निर्मल निराला सर और गौरव केसरी सर, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे झारखंड के आन बान शाम श्याम स्वामी सर, जो कि ऑलवेज हमारे साथ सपोर्ट में रहते हैं। तो सभी लोगों को, जितने भी हमारे ग्रेट अपलाइन है, उन सभी लोगों को तहे दिल से थैंक यू करना चाहूंगा जिनके माध्यम से ये एक पावरफुल सिस्टम मुझे मिला और कहीं ना कहीं ये ड्रीम यहाँ पर हमने लिया है कि हाईरीच में जिस तरीके से स्टार्टअप करा था, आने वाले टाइम में इतिहास रचेगा और पूरी टीम, पूरी झारखंड इतिहास रचेगा और पूरे इंडिया में हाईरीच कहीं ना कहीं वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बनने जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको आज का सेशन एक ऐसे कुछ टॉपिक्स को करने जा रहा हूँ
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक के साथ मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा वर्क है जिसके साथ हम इस बिजनेस में सफलता पाएंगे। तो दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा 30 सेकंड का एक वीडियो मैं प्ले करूंगा और उसके बाद मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा, तो इसको ध्यान से सुनिए दोस्तों। तीसरे दिन आता है भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो, चौथे दिन आता है भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, पांचवे दिन आता है भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, छठे दिन भगवान प्रकट हो। खुश होकर नहीं, भगवान कहते पांच दिन से लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो, पहले जाके लॉटरी की टिकट तो खरीद। तो भगवान कहते इतना कर्म तो करोगे कि वो भी मैं करूं, अगर लॉटरी भी लगवानी है तो टिकट तो तुम्हें ही खरीदनी पड़ेगी कि मैं खरीदूं। तो अगर इतना आसान तरीका भी आपको धन कमाने के लिए चाहिए तो इसमें भी तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि लाइन में लगो, टिकट खरीदो, तब जाके लॉटरी लगेगी। भगवान कहते कर्म तो हर चीज में करने पड़ेंगे तुम्हें। So, दोस्तों, आपने इस वीडियो को सुना, इसमें सिंपल एक छोटा सा मैसेज था कि दुनिया का सबसे आसान प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है जिसका नाम है हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। दुनिया का सबसे आसान प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है जिसका नाम है हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। लेकिन अब कर्म की बात आती है कि कर्म तो दोस्तों आपको ही करना होगा, क्योंकि आपकी कर्म छोटे छोटे लिया गया स्टेप्स ही आपको सफलता देगी और आपको सफल बनाएगी। अगर आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम है, आपके अंदर अगर स्ट्रॉन्ग पावरफुल आपके पास ड्रीम है, तो दोस्तों आपको 1000% आपको यहां से सफलता मिलने वाला है। तो दोस्तों, कौन सा ऐसा कर्म है, कौन सा ऐसा काम है जिसमें हमको यहां से सफलता मिलेगा, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे कहते हैं 8 core steps। आज जो आपको मैं बताने जा रहा हूं इसे कहते हैं वो 8 core steps, और वो छोटे छोटे कोर स्टेप्स करते 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 ये बिजनेस में आपको सफलता मिलती है। और 8 core steps में सबसे पहला कोर स्टेप है जिसे कहते हैं 100% use product। आप ये बिजनेस में अगर आए हैं दोस्तों, तो हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, और इस बिजनेस में हमारे एक गुरुजी हुआ करते थे, वो कहते थे बिजनेस मतलब टर्नओवर, वो कहते थे बिजनेस मतलब टर्नओवर, और टर्नओवर कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट से आता है दोस्तों। तो आपको इस बिजनेस में एक ईमानदारी से, एक ऑनेस्टी के साथ आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है। आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे बिजनेस में दो अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, एक फर्स्ट परचेज प्रोडक्ट है और एक रीपर्चेज प्रोडक्ट है। फर्स्ट परचेज प्रोडक्ट पे कहीं ना कहीं लोग स्टार्टअप करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रीपर्चेज प्रोडक्ट। आज अब अगर ये बिजनेस में आए हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बैक ऑफ द माइंड है कि आपको इस बिजनेस में सफल होना है और आपको एक पैसिव अर्निंग कमाने हैं, आपको एक ऐसा अर्निंग कमाने हैं जहां पर आप आज जो एफर्ट्स एनर्जी लगा रहे हो वो आने वाला टाइम में आपको एक लगातार 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 इनकम देता जाए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक ईमानदारी से आपको अपनी टीम को जो चीज डुप्लीकेट कराना है, उससे पहले आपको पहले 100% प्रोडक्ट यूजर बनने हैं। मतलब आप रीपर्चेज में आपके एरिया में जो शॉपिंग खुलता है, आपके एरिया में जो व्यक्ति आपके बातों को सुनकर आपका शॉपिंग खोलता है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो पैसे लगा रहा है, आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं बढ़ाने में आपको मदद कर रहा है, तो उस जगह पे आप रीपर्चेज में आप पूरी ऑनेस्टी के साथ यहाँ पर 100% प्रोडक्ट आपको यूज करना है। मैं आपको फ्रेंकली बोल सकता हूं कि आज मैं शॉपी चला रहा हूं, बहुत सारे आपको हाई रिच के बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आज भी प्रोडक्ट मार्केट से ले रहे हैं, लेकिन मैं आपसे यही ऑन कॉल रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ईमानदारी का बिजनेस है, और आप अगर इस बिजनेस सफल होना चाहते हैं और आपके अगर लोकल एरिया में प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, आपके लोकल एरिया में अगर स्टोर है, शॉपी है, तो सबसे पहले आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनने हैं। आप किसी भी ग्रुप से हो, शॉपी किसी भी ग्रुप से हो, लेकिन आपको अगर कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आपको सबसे पहले एक अच्छा प्रोडक्ट यूजर बनना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है दोस्तों ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप जो बोलोगे वो आपका टीम नहीं करेगा,
जो आप बोलोगे वो आपका टीम नहीं करेगा, और जो आप करोगे वो आपका टीम डेफिनेटली डुप्लीकेट करेगा। तो सबसे पहले आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनने हैं, रीपर्चेज में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को आपको खुद लेने हैं, अपने टीम को बिल दिखाने हैं, अपने टीम को बताने हैं, उसका डिस्काउंट दिखाना है, उसका एसआई दिखाना है, और ज्यादा से ज्यादा रीपर्चेज में कहीं ना कहीं अपनी टीम को लेके आना है। तो आपको 100% यूज द प्रोडक्ट्स, फर्स्ट पार्ट है दोस्तों। सेकंड पार्ट है क्रिएट न्यू कस्टमर ऑन रेगुलर बेसिस। आपको कस्टमर यहां पर डेवलप करना है, मतलब आपके साथ जब आप बिजनेस प्रेजेंटेशन करते हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ आते हैं जो आपको बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, जिनको इनकम अपॉर्चुनिटी चाहिए, जिनको अपने सपने पूरे करने इस बिजनेस के माध्यम से। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रखते, इंस्टेंट वो बिजनेस को नहीं करेंगे दोस्तों। तो वो कुछ कस्टमर्स आप डेवलप कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं डिस्काउंट कार्ड आप क्रिएट कर सकते हैं, जो रामनिवास पटेल सर ने एक बहुत अच्छा हम लोगों को टिप्स दे के चले गए कि यहाँ पर हम लोग को कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्काउंट कार्ड बनाना है, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट कार्ड बनाने हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को डिस्काउंट कार्ड बना के फ्री कस्टमर भी डेवलप कर सकते हैं, जिससे आपके शॉपी का सेल भी बढ़ेगा, आपके एरिया के शॉपी का सेल भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर रीपर्चेज इनकम भी बढ़ेगा। तो रेगुलर बेसिस पे आपको न्यू कस्टमर भी डेवलप करना है उन लोगों के साथ जो बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनको आप कहीं ना कहीं रीपर्चेज के लिए एक न्यू कस्टमर आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद का पार्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे आपकी बिजनेस में एक अलग लेवल का ग्रोथ आता है, जिसे कहते हैं शो द प्लान। आपको इस बिजनेस में प्लान रेगुलर बेसिस पे दिखाना है फॉर रिक्रूटमेंट, क्योंकि आप ये बिजनेस में जब आते हैं ना दोस्तों, तो आप अकेले होते हैं, और आपके बिजनेस में आपके आने के बाद आपका बिजनेस आपसे स्टार्ट होता है, तो आपको कहीं ना कहीं लोगों की जरूरत होती है। तो जब आप रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को प्लान दिखाते हैं, प्लान भी अलग अलग तरीके से होता है दोस्तों। आप 1-to-1 प्लान लोगों के पास जाकर टेबल प्लान कर सकते हैं, 1-to-1 जाके सामने सामने प्लान कर सकते हैं। प्लान के लिए सबसे बेस्ट है, अगर आप नए हैं तो आप इस तरीके से जूम कॉल पे लेके आ सकते हैं अपने गेस्ट को। हमारा 2 बजे दिन में प्लान प्रेजेंटेशन होता है, शाम के 7 बजे अपना प्लान प्रेजेंटेशन होता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने गेस्ट को आप जूम मीटिंग पे लाके कहीं ना कहीं बिजनेस प्रेजेंटेशन वहां से दिखा सकते हैं। अगर आप नए हैं तो वहां एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से एक अच्छे स्पीकर इस प्लान को बताते, एक सक्सेसफुल पर्सन आप इस प्लान को बताते, आपको सिर्फ अपने नए गेस्ट को लाकर यहाँ पर प्लान ज्यादा से ज्यादा शो करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर प्लान कहीं ना कहीं करते रहना है, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में हैं, आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो यहाँ पर आपको अलग अलग नए नए रिलेशनशिप डेवलप करने होते हैं, आपको हमेशा कहीं ना कहीं अपनी टीम को डेवलप करना होता है। तो टीम डेवलपमेंट के लिए आपको हमेशा नए प्लान हर दिन 3 से 5 प्लान, हर दिन 3 से 5 नए लोगों से रिलेशन डेवलप करना है, प्लान करना है, जिससे आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा आपका टीम डेवलप हो और आपके बिजनेस में टर्नओवर ज्यादा हो और आपका इनकम ज्यादा हो। आप जब बिजनेस प्लान करते हैं दोस्तों ज्यादा से ज्यादा, तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस का एक्सपेंशन होता है, आप इस बिजनेस में जब आप प्लान करते हैं तो न्यू रिलेशनशिप डेवलप होता है। और कहते हैं हमारा बिजनेस ही कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का बिजनेस है। आप जितना ज्यादा नया रिलेशनशिप डेवलप करेंगे उतना ज्यादा आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगा, वो आपके माध्यम से हो या आपके टीम के माध्यम से, आपके लाइफलाइन पार्टनर के माध्यम से। लेकिन आपको डेली कहीं ना कहीं 3 से 5 नए रिलेशनशिप डेवलप करने हैं। अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं तो 3 से 5 प्लान आपको डेली का एक टारगेट ओरिएंटेड काम करने हैं, गोल ओरिएंटेड काम करने हैं, और डेली बेसिस पे आपको शो द प्लान करना है। आप अगर नए प्लान डेली करते हैं ना, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं देखिए बोल्ड लेटर्स में कि न्यू पर्सन न्यू वर्ल्ड। आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का चैलेंज आ जाए दोस्तों, आप अगर एक नया रिक्रूटमेंट करते हैं ना, तो आपके टीम में, आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं एक मोमेंटम बन जाता है। हर दिन हर सुबह आपके लिए एक नया अवसर लेके आता है, हर दिन हर सुबह आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी लेके आता है। आप हर दिन एक नया रिक्रूटमेंट करें, हर दिन एक नए लोगों को प्लान दिखाए, हर दिन एक नए लोगों को बिजनेस में लेके आए, आपका बिजनेस में हमेशा एक नयापन बना रहेगा। कभी भी आप बिजनेस में बोर नहीं होंगे, कभी डिमोरलाइज नहीं होंगे, कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास एक नया व्यक्ति, एक नया ड्रीमर आपके पास खड़ा होगा, जिसको आपको सफलता दिलाने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और जब वो सफल होंगे तो दोस्तों आप भी सफल होंगे। तो लगातार 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 आपको डेली बेसिस पे
प्लान करना है दोस्तों। जब आप प्लान करते हैं तो सेम डुप्लीकेशन आपके नीचे होता है और आपके टीम में बहुत सारी ज्वाइनिंग्स आते हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट होता है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे प्लान करना है दोस्तों। अभी मैंने आपको तीन स्टेप्स बताया, एक बार बैक जाके मैं बात करूं तो तीन स्टेप्स है जो मैंने आपसे बात किया। फर्स्ट स्टेप इज 100% प्रोडक्टिव, सेकेंड स्टेप क्रिएट अ न्यू कस्टमर ऑन रेगुलर बेसिस, और थर्ड स्टेप्स मैंने बताया आपको जो कि शो द प्लान ऑन डेली बेसिस। ये तीन स्टेप्स जो है इसे कहते हैं वॉल्यूम क्रिएशन पार्ट, इसे कहते हैं दोस्तों वॉल्यूम क्रिएशन पार्ट, जिस पार्ट से आपको इनकम आता है। ये तीन पार्ट से ही आपको इनकम आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये तीन पार्ट तभी होता है ना, इस तीन पार्ट को आप तभी परफेक्शन के साथ कर पाते हैं ना, जब ये आने वाला जो पार्ट मैं बताने जा रहा हूँ, एट कोर स्टेप्स की मैंने बात करा था जिसमें तीन कोर स्टेप्स तो बताया, अभी पांच कोर स्टेप्स बचे हुए दोस्तों। ये वॉल्यूम क्रिएशन पार्ट जहां से आप इनकम कमाते हो, ये वॉल्यूम क्रिएशन का पार्ट तभी हो पाएगा जब आने वाला जो पांच पॉइंट है उसको आप करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि दोस्तों जैसी संगत वैसी रंगत। इसके बाद जो पार्ट है उसे कहते हैं एसोसिएशन पार्ट। जब आप एसोसिएशन पार्ट को अच्छी तरीके से करते हैं, जब आपका संगत अच्छा होता है दोस्तों, जब आप एक सक्सेसफुल लोगों के साथ उनके एसोसिएशन में रहते, उनके संगत में रहते, वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, वो कौन से पाथ पे चल के आज सफल हुए हैं, जब इस एसोसिएशन को आप खुद से कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते, उनके संगत में रहना पसंद करते हैं, एक सफल व्यक्ति के एसोसिएशन में रहते हैं, तो आपको सफलता मिलता है और उसे कहते हैं एसोसिएशन पार्ट। तो एसोसिएशन पार्ट जब आप करते हैं ना, तो आपका वॉल्यूम क्रिएशन पार्ट ऑटो मोड में हो जाता है। गलतियां यहीं पर होते हैं दोस्तों कि लोग सीखने के लिए एसोसिएशन पार्ट अच्छे सफल व्यक्ति के साथ ना रह के वो समय ऐसे जगह पर गुजारते हैं जो ऑलरेडी अनसक्सेसफुल है, तो वहां पर रहकर हम चाहेंगे कि हमारे साथ ये सारे वॉल्यूम क्रिएट हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि एसोसिएशन पार्ट है दोस्तों, और एसोसिएशन पार्ट का सबसे पहला पॉइंट है जिसे कहते हैं रेफर मोटिवेशनल इंस्पिरेशन बुक्स एंड वीडियोस। आप फोर्थ पॉइंट देख पा रहे होंगे, रेफर मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल बुक्स एंड वीडियोस। यहां पर सबसे पहले मैंने इससे पहले भी बोला, फिर से बोल रहा हूं दोस्तों कि ये एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और यहां पर आप जो काम करोगे वही चीज आप नीचे वाले को सिखा पाओगे। तो आप किसी चीज को अगर रेफर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल बुक्स एंड वीडियोस का एसोसिएशन खुद करना है। आप खुद यहाँ पर कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने, कुछ सक्सेसफुल व्यक्ति को सुने, जिससे कि आपके अंदर हमेशा आपका ड्रीम कहीं ना कहीं पावरफुल रहे, आपका ड्रीम में कहीं ना कहीं एक इमोशनल ड्रीम रहे। आप एक इंस्पिरेशनल बुक्स को पढ़े, बुक्स एक साइलेंट टीचर होता है, कहते हैं दोस्तों बुक्स एक साइलेंट टीचर होता है जो आपको बिना हर्ट के आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। बुक एक ऐसा कहीं ना कहीं माध्यम होता है जो आपके दुनिया की हर एक्सपीरियंस, एक राइटर जिनको दुनिया का हर सेक्टर का अनुभव है, वो एक बुक के माध्यम से अपनी अनुभव को उस बुक में रख दिए हैं। आप उस अनुभव को अगर आपको चाहिए दोस्तों, तो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। बुक्स में आप क्या पढ़ेंगे, बहुत सारे बुक्स है दोस्तों। सबसे स्टार्टिंग बुक मैं आपको बताता हूँ जो एकदम कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट बुक, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में आए हैं तो सबसे पहले आप लोक व्यवहार करें। लोक व्यवहार एक बुक है, पीपल स्किल, उसको आप पढ़ें, क्योंकि आप लोगों के बिजनेस में है, लोगों के रिलेशनशिप डेवलपमेंट बिजनेस में है, तो आपको एक लोक व्यवहार बुक जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोक व्यवहार बुक कहीं ना कहीं आपके अंदर ये स्किल डेवलप करेगा कि लोगों के साथ किस तरीके से आपको व्यवहार करने है। कहते हैं कि बोलना तो लोग बचपन में सीख जाते हैं, लेकिन कहां पर क्या बोलना है, बोलना तो लोग बचपन में सीख जाते हैं लेकिन कहां पर किस वक्त पे क्या बोलना है, ये पूरी की सीखने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। तो दोस्तों आपको अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको लोक व्यवहार बुक पढ़ें, जिससे आपको हर वक्त हर पल आपको ये समझ आएगा हर सिचुएशन में लोगों को किस तरीके से आप अपने बिजनेस में, आप एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए क्या ऐसा बात करें, लोगों को किस तरीके से एडिफाई करें, किस तरीके से लोगों की कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर्ड करें, लोगों को किस तरीके से एडिफाई करना, हर चीज आपको उस बुक्स में मिलेंगे। आप यहाँ पर सवाल ही जवाब है बुक पढ़ सकते हैं, किस तरीके से लोगों के सवाल में ही उनका जवाब होता है। तो इस तरीके से लॉट ऑफ बुक्स है जो कि आप अपने सीनियर अपलाइन से पूछ सकते हैं, वो आपको बिल्कुल बताएंगे। तो यहाँ पर आपको बुक पढ़ने हैं।
आपको यहाँ पर वीडियो सुनने हैं सर दोस्तों, एक बहुत अच्छा माध्यम है अभी सीखने के लिए, और उसे कहते हैं यूट्यूब। यूट्यूब एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से एक सागर है जहां पर हर चीज अवेलेबल है। आप यहाँ से ज्यादा सक्सेसफुल लीडर्स हमारे हाईरीच ऑनलाइन शॉपिंग में, हमारे इतने सक्सेसफुल लीडर ऑलरेडी हैं, जैसे जो भी जोसेफ सर, हमारे आर के मनर सर, राहुल नरकर सर, हमारे इतना ट्रेनिंग है, हमारे पटेल सर, हमारे इतने ट्रेनिंग्स होते हैं, इतने मीटिंग्स होते हैं, सभी का लिंक कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। हर वीडियो, हर ट्रेनिंग सेशन को आप लगातार लगातार सुन के आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। कहते हैं कि जब आप मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बुक्स एंड वीडियो सुनते हैं, इंप्रूव योर इंटरनल फेथ इन हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशन। आप कहते हैं कि आप अपने इंटरनल किसी भी तरीके के डिफिकल्ट सिचुएशंस को अगर आप यहां से ओवरकम होना चाहते हैं तो ऑलवेज आपको एसोसिएशन मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बुक्स एंड वीडियोस का करना चाहिए, क्योंकि आपको ये हर सिचुएशन से बाहर निकाल के आपके सपनों को कहीं ना कहीं स्ट्रांग करके रखता है कि आपको बिजनेस क्यों करना है, आपके वाई कहीं ना कहीं यहाँ से क्लियर होता है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आता है जो एसोसिएशन पार्ट का, जिसे कहते हैं दोस्तों अटेंड ऑल इवेंट्स, हर टाइप्स ऑफ इवेंट जितने भी हमारी होती है, जिसे कहते हैं बिजनेस सेमिनार, बिजनेस ट्रेनिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, मेगा इवेंट्स, और साथ में मैं एक ऐड कर दे रहा हूँ जिसे कहते हैं जूम मीटिंग। ये जितने भी टाइप्स ऑफ मीटिंग्स आप देख रहे हैं दोस्तों, जितने भी ट्रेनिंग्स है, उसका आपको एसोसिएशन करना है। क्यों? क्योंकि आप ये बिजनेस में अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको यहाँ लर्निंग की जरूरत है। आप ये बिजनेस में अभी स्टार्टिंग फेज में, आप हो सकते हैं बिजनेस इस इंडस्ट्री के फ्रेशर है, तो आपको अभी सीखने की जरूरत है, आपको इंडस्ट्री समझने की जरूरत है, आपको लगातार लगातार यहाँ से ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत है। जब आप ये बिजनेस में कुछ सीखते हैं ना, तो उसी चीज को आप दूसरे को सिखा पाते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रेनिंग एंड मीटिंग में पहले तो खुद आना है, और जब आप खुद आते हैं ये बिजनेस में तो आपको ट्रेनिंग मीटिंग में लोगों को लेके आने हैं, अपनी टीम को लेके आने हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम होता है जो सबके लिए समान होता है। आपके टीम जब आप स्टार्टिंग फेज में होते हैं तो वन टू वन आप लोगों को सिखा पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके टीम में 100, 200, 500, 1000, 2000, 10000, 20000, 1 लाख लोग हो जाते हैं, आप एक एक जन को जाकर डेप्थ में नहीं सिखा पाते हैं। तो वहां पर आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं जूम मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग आपके लिए काम आता है, जहां पर पैरेलल एजुकेशन सिस्टम है। हर व्यक्ति को, हर टीम को एक जगह पे आप एसोसिएट करके आप यहां से पैरेलल एजुकेशन सिस्टम में सभी लोगों को एक साथ लर्निंग करवा सकते हैं और सिखा सकते हैं। हमारे ग्रेट ग्रेट अपलाइन लोग यहां पर ट्रेनिंग्स लेते हैं, नॉलेजेबल सक्सेसफुल पर्सन, हर दिन भर में 4 बार ट्रेनिंग होता है। आप यहाँ से अपने टीम को कहीं ना कहीं सीरियस यहाँ पर सिखा सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स लिख ले हैं दोस्तों, रिफ्लेक्ट योर कमिटमेंट टू बिल्ड योर बिजनेस सीरियसली। आप जब ट्रेनिंग्स मीटिंग में होते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, इस चीज को कहीं ना कहीं आप कमिटमेंट को यहाँ पर दिखा सकते हैं कि आप ये बिजनेस के लिए कितना सीरियस हैं। हेल्प इन इंप्रूविंग पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट, आप अपने पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट्स को कहीं ना कहीं अपने ट्रेनिंग एंड मीटिंग के माध्यम से आप यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। और हेल्प इन अवॉइडिंग इंटरनल नेगेटिविटी बाय विटनेस अदर सक्सेस। किसी भी तरीके का इंटरनल जो नेगेटिविटी होती है ना, उस चीज को आप कहीं ना कहीं सक्सेस की ओर कैसे जाना है, वो आप ट्रेनिंग और मीटिंग के माध्यम से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं दोस्तों, आप पूरे दिन एक मोबाइल फोन होता है ना दोस्तों, एक मोबाइल फोन जो वो भी एक दिन पूरे यूज होने के बाद, 2 दिन यूज होने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है। उसको अगेन आप कहीं ना कहीं आप उसको चार्जिंग में लगाते हैं। एक छोटा सा डिवाइस, 10,000, 20,000 का डिवाइस कहीं ना कहीं डिस्चार्ज हो जाता है, उसको अगेन आपको कहीं ना कहीं रिचार्ज करने पड़ते हैं। तो हम तो दोस्तों, हम तो इंसान है, हम तो ह्यूमन बीइंग है, हमारे भी थॉट्स है, हमारे भी बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। जब आप जाते हैं मार्केट में, बहुत सारे कॉल्स होते हैं, बहुत सारे प्लान्स होते हैं, कुछ लोग आपको पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ लोग आपको नेगेटिव बोलते हैं। धीरे 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 आपके अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव का थॉट्स आता है। तो आप जब रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग मीटिंग में रहते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं, आप सफल व्यक्ति के कहीं ना कहीं एसोसिएशन में रहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ से नेगेटिव एसोसिएशन से आप दूर हो पाते हैं, और हमेशा आपके ड्रीम आपके साथ पॉजिटिव रहता है और आप ये बिजनेस में सफल होते हैं। इसके बाद का पॉइंट है दोस्तों, जिसे कहते हैं बी टीचेबल। आपको ये बिजनेस में अनलर्न बिफोर यू लर्न।
आपको ये बिजनेस में किसी भी लोगों को सिखाने से पहले आपको इस बिजनेस में सीखने के लिए हमेशा एग्रेसिव रहना है। आपको ये बिजनेस में सीखने के लिए हमेशा एग्रेसिव रहना है, क्योंकि कहते हैं जो आप सीखोगे दोस्तों वही चीज आप सिखा पाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सीखना इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस बिजनेस में लगातार 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 सीखने के लिए हमेशा लाइन में आगे खड़े रहना है, क्योंकि आप जब सीखते हो तो आपका जो स्किल है ना वो रेगुलर बेसिस पे डेवलप होता है। और ये बिजनेस ही स्किल का है दोस्तों, स्किल का बिजनेस है कि आप अपने टीम को किस तरीके से अपने लोगों को सिखा पा रहे हो, आप अपनी टीम को ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से डेवलप करने के लिए सेम चीज डुप्लीकेट करना सिखा पा रहे हो। हर स्टेप में आपको सीखना है, हर स्टेप में आपको सिखाना है। आपको एक किस तरीके से किसी मीटिंग को प्रमोट करना है, किस तरीके से प्लान शो करना है, किस तरीके से अपलाइन को एडिफाई करना है, किस तरीके से डाउनलाइन को एक यूनिटी के साथ बनाए रखना है। हर चीज की लर्निंग होती है, हर चीज यहाँ पर सीखने पड़ते हैं दोस्तों। तो लगातार 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 आपको यहाँ पर सीखना है, क्योंकि ये बिजनेस सीखने का है। बी टीचेबल, हमेशा सीखने के लिए आप एग्रेसिव रहें और क्रिएट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। आप जब सीखते हैं ना दोस्तों तो कहीं ना कहीं पोटेंशियलिटी आपकी ग्रोथ होती है। तो आपको इस बिजनेस में लगातार सीखना है, लगातार सीखना है। और यही चीज सेम चीज आपको लगातार सीखते हुए अपने दोस्तों, अपने टीम को, अपने नेटवर्क को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेम चीज आपको सिखाना है दोस्तों। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आते हैं, ये जो मैंने आपको तीन पार्ट बताया, ये पार्ट है एसोसिएशन पार्ट। इसी एसोसिएशन, इसी संगत से आप ये बिजनेस में सफल हो सकते हैं, क्योंकि आपकी संगत अगर अच्छी होगी तो आपकी कहीं ना कहीं रंगत अच्छी होगी और आपका बिजनेस का कहीं ना कहीं एक स्वरूप अलग होगा। एक बात मैं लास्ट इस संगत पे बताना चाहूंगा, अभी राहुल सर हमारे साथ 4 दिन थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे सिखा के गए हैं कि धीरूभाई अंबानी, आज धीरूभाई अंबानी इतने सफल थे व्यक्ति, आज इतना उनका कहीं ना कहीं सफलता की कहीं ना कहीं कहानियां लिखे जाते हैं। तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो जब जॉब किया करते थे तो उनका जो सैलरी होता था ना, उसका 50% सैलरी वो एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके वो एक कप चाय पी के कहीं ना कहीं वो 50% सैलरी खत्म कर देते थे। बहुत दोस्त उनका कहता था कि तुम कितने बेवकूफ इंसान हो कि तुम 50% सैलरी का सिर्फ एक कप चाय पी जाते हो। धीरूभाई अंबानी का आंसर होता था कि वो एक कप चाय पीना तो मेरा एक बहाना है, वो एक कप चाय पीना तो एक मेरा बहाना है, उस जगह पे मैं जाके उस एसोसिएशन को मैं देखना चाहता हूँ, संगत से कुछ सीखना चाहता हूँ कि एक सफल व्यक्ति कैसे उठते हैं बैठते हैं, एक सफल व्यक्ति का क्या संगत होता है, सफल व्यक्ति क्या बात करते हैं, सफल व्यक्ति किस तरीके से सफल है। उस एसोसिएशन को लेने धीरूभाई अंबानी वहां जाते थे और वो सफलता की कहीं ना कहीं जो उन्होंने वहां से लर्निंग करा, उन्होंने जो एसोसिएशन देखा, संगत लिया, सीखा, उन्हीं की कहानी आज आप यहाँ पर एग्जाम्पल मैं भी दे रहा हूँ और पूरी दुनिया देती है। तो इसे कहते हैं दोस्त संगत की कहीं ना कहीं असर। तो ये है एसोसिएशन पार्ट। अब मैं जो पार्ट पे आ रहा हूँ दोस्तों, उसे कहते हैं एटीट्यूड पार्ट। आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए बिजनेस में सफल होने के लिए, क्योंकि आपके अंदर अगर एटीट्यूड होगा तो आप ये बिजनेस में डेफिनेटली सफल होंगे। एटीट्यूड मतलब नेगेटिव एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको कोई इस बिजनेस में बहुत लोगों से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रिलेशन डेवलप करना है तो एटीट्यूड को जब आप अल्फाबेटिकली भी जोड़ेंगे ना दोस्तों तो कहीं ना कहीं वो 100 आता है। तो आपके अंदर 100% एटीट्यूड होना चाहिए, नॉट 99% भी होगा तो आपको सफल होने में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो एटीट्यूड कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा रखना है जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, जो लोग आपके अंदर देखकर ये समझ पाए, ये रियलाइज कर पाए कि जो व्यक्ति हमको ये सिस्टम बता रहा है, जो व्यक्ति के साथ हम ये बिजनेस में कनेक्ट हो रहे हैं, सच में ये व्यक्ति हमको ये सफल बनाने में मदद करेगा। और एटीट्यूड पार्ट में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे कहते हैं। पहला है बी अकाउंटेबल। ये बिजनेस में आपको हमेशा अकाउंटेबल रहना है, उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा दोस्तों। और दूसरा है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विद अपलाइन डाउनलाइन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रखना है दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रखना है, जिसे कहते हैं फंडामेंटल रूल टू बिल्ड ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको एक फंडामेंटल रूल है आपके ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए, आपके अपलाइन और आपके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि बी टीचेबल 7 पॉइंट में लास्ट में कवर करूंगा। सबसे पहले मैं 8वां पॉइंट बताने जा रहा हूं जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विद अपलाइन एंड डाउनलाइन।
और इसको बताने से पहले मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करूंगा, जो मैं लास्ट टाइम आपको ये वीडियो प्ले किया था और आप लोगों ने सुना है। मैं अगेन वो वीडियो को प्ले करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंस्पिरेशनल वीडियो है और मुझे काफी पर्सनली मोटिवेट करता है। तो इस वीडियो को दोस्तों आप सुनिए। दोस्तों ये वीडियो बहुत कुछ सिखा जाता है और ये एक ऐसा वीडियो है जो बहुत इंस्पिरेशनल वीडियो है। आपने देखा किस तरीके से एक अपलाइन, किस तरीके से एक अपलाइन अपने डाउनलाइन को सक्सेस कराने के लिए, वो पार कराने के लिए कितना स्ट्रगल करता है। तो मैं आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप ये सिस्टम में अगर आए हैं, आप ये बिजनेस में आए हैं, तो आपको जिस व्यक्ति ने हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग बताया है, आपको जिस व्यक्ति ने ये कहीं ना कहीं सिस्टम बताया है, उनके हाथों को पकड़ के उनको जरूर थैंक्स बोलिएगा। क्योंकि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी वो आपको देके आया है जो आपके नहीं, आपके आने वाले पूरी जनरेशन की लाइफस्टाइल को बदल सकता है, आपके और आपके परिवार के सपने को पूरा कर सकता है। तो उस व्यक्ति को जरूर थैंक्स बोलिएगा जिन्होंने ये सिस्टम आपको बताया है, क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। और कहते हैं आपके अपलाइन और आपके डाउनलाइन, मतलब अपलाइन डाउनलाइन के बीच का एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए दोस्तों जहां से बीच से एक एयर भी पास ना कर पाए। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि दुनिया देखने वाला देखता रह जाए। क्योंकि कहते हैं कि इस दुनिया में आपके माँ बाप को छोड़कर, आपके फैमिली को छोड़कर इस दुनिया में कोई नहीं ये चाहता है कि आप अपने लाइफ में सफल हो जाएं। एक सिंगल पर्सन आपके फैमिली मेंबर्स को छोड़कर एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके सोने के बाद भी आपका प्लानिंग करता है, वो है आपके अपलाइन। आप जब सोते भी होते हो ना, तो भी ये प्लानिंग होता है कि सुमिता मल्लिक को किस तरीके से डबल सेलिंग अचीवर लेके जाना है। वो प्लानिंग करता है कि कैसे ज्योति गंगड़ारी को इंदौर से सेलिंग अचीवर लेके जाना है। वो प्लानिंग करता है कि राजेश कुमार को धनबाद से कैसे बड़ा बिजनेस निकालना है। तो आप अपने डाउनलाइन के लिए हर वक्त हर पल जो आपके सिस्टम में आपका आपका लाइफ लाइन आया है, आपके भरोसे पे वो बिजनेस में अपने आप को सबमिट किया है, तो एक एज अपलाइन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो उम्मीद देकर उनको लेके आए हैं, जिन सपने को आपने दिखाया है, उस सपने को कैसे उनको पूरे करने में मदद करना है, ये आपकी अपलाइन एज अपलाइन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और आप अगर डाउनलाइन है, हर व्यक्ति यहाँ पर अपलाइन है और हर व्यक्ति यहाँ पर डाउनलाइन है, अगर आप डाउनलाइन है तो आप अपने अपलाइन के साथ भी इस तरीके से रिलेशन को रखें जिससे कि वो जिस जिस तरीके से आपको कह रहे हैं उस तरीके से फॉलो करना है। इस बिजनेस में कहते हैं कि अपना खुद भी दिमाग कुछ नहीं लगाना दोस्तों, आपके अपलाइन ऑलरेडी इस बिजनेस में लगातार लगातार सफल हो रहे हैं, आपके एक्टिव अपलाइन ऑलरेडी इस बिजनेस में लगातार लगातार सफल हो रहे हैं। सिर्फ उनके सफलता की राहों को, उस उनकी सफलता की पाथ को आपको कहीं ना कहीं फॉलो करना है और वो जो कह रहे हैं उस चीज को कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपके अपलाइन का बिजनेस आपके बिजनेस में है, तो आपको लगातार लगातार सिर्फ अपलाइन को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है, विदाउट एनी डाउट। आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करके एक ही चीज समझना है कि वो जो बोल रहे हैं उस चीज को फॉलो करने हैं और एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करके चलना है जो आपने वीडियो में देखा दोस्तों। तो अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप अपने अपलाइन से डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन में रहे। बहुत बार यहाँ थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम आता है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, आपके अपलाइन आपसे छोटे हैं, आपके अपलाइन आपसे आउट ऑफ सिटी है, आपके अपलाइन हो सकता है आपसे थोड़ा अनएजुकेटेड है, मतलब कम पढ़े लिखे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, माँ बाप कम पढ़े लिखे हो या ज्यादा पढ़े लिखे हो, माँ बाप तो हमेशा माँ बाप ही हो। तो आपके अपलाइन अगर आपसे एक दिन पहले भी ज्वाइन किया है तो वो आपका अपलाइन है, और अगर वो एक्टिवली काम कर रहे हैं तो ऑलवेज आपके लिए कहीं ना कहीं अपलाइन है। तो आपको उनको फॉलो करने हैं और आपके उनकी उनकी बातों को सुनने हैं और उनकी सफलता की कहीं ना कहीं रास्तों को फॉलो करते 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 आप भी सफल होंगे दोस्तों। तो आप जब यहाँ पर अपलाइन के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में सफलता होने से, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। 100% आप यहाँ पर सफल होंगे। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपलाइन डाउनलाइन कम्युनिकेशन, जिसको बोलने पर बहुत सारा समय के बाद भी ये खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपके अपलाइन से रिलेशन स्ट्रांग बनाए रखें जिससे
आप अगर अपलाइंस के हाथों को पकड़ेंगे, एक हाथ आपके अपलाइन को पकड़े और एक हाथ अपने सिस्टम को पकड़े, दुनिया में किसी इंसान के पैर पकड़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमेशा आपको बताया जाते हैं हमारे ट्रेनिंग्स में। तो एक लाइन अपलाइन को, एक हाथ अपलाइन का पकड़े, एक हाथ सिस्टम का पकड़े, दुनिया में कभी किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है अपलाइन कम्युनिकेशन। लास्ट पॉइंट जो मैंने सेवेंथ पॉइंट आपको नहीं बताया था दोस्तों, बी अकाउंटेबल। Do what you say what you do। आप जो बोल रहे हैं क्या आप वो कर रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने लाइफ में किस तरीके से अकाउंटेबल है। मैं ओनली बिजनेस की बात नहीं करता दोस्तों, आप अपने लाइफ में कितना अकाउंटेबल है। और अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करें तो अकाउंटेबिलिटी के लिए मैं एक लास्ट वीडियो प्ले करने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको लाइफ का एक बहुत बड़ा मोरल देने जा रहा है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये सचिन तेंदुलकर की। मुझे आज भी एक छोटी सी कहानी याद आती है। 16 साल का एक लड़का पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी करने उतरा, नाम था सचिन तेंदुलकर। 150 किलोमीटर की स्पीड से गेंदबाजी होती थी, 150 किलोमीटर पर आवर, और 15.5 साल की उम्र, टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है लड़का। अपोजिट एंड पे नवजोत सिंह सिद्धू बल्लेबाजी कर रहा है। 4 लोग आउट हो चुके हैं, 5वां दिन है, टूटी हुई पिच है, 5वां दिन 22/4 एंड तेंदुलकर वॉक्स इन। और तेंदुलकर पहले 2 टेस्ट मैच में टोटल 10 रन बनाया था, 3rd टेस्ट में ड्रॉप किया, 4th टेस्ट मैच था। 15-16 साल का लड़का, बॉलिंग कौन कर रहा है? इमरान खान, वकार यूनिस, अकीब जावेद, खतरनाक लोग, 5-5, 6-6 फुट के लोग, 2 फुट का हाथ, स्क्रीन के ऊपर से बॉल आती है ऐसा लगता है। तो सिद्धू कह रहा है मेरे को नॉन स्ट्राइकर पे लग रहा था, ये लड़का आज मर जाएगा। पाकिस्तान के अंदर मैच, पाकिस्तान के लोग बॉलिंग भी करते हैं, बोले गाली भी देते हैं, और सब गालियां आती हैं उनको हमारी तरह, बोले। और ये 15.5 साल के लड़के खा जाएंगे, बोले आज। 4 आउट, टूटी हुई पिच, 5वां दिन, और ये स्टंप पे गया आउट होने के बाद किसी, और सिद्धू ने इसको ऑल द बेस्ट बोला। ये गया, पहली ही गेंद ज़ूम करके निकल, इसको कुछ दिखाई नहीं दिया। सिद्धू गया, ओके, सिद्धू गया वापस नॉन स्ट्राइकर, बोला आज ही मरेगा। तीसरी बॉल, इसको बाउंस किया, इसने पुल करने की कोशिश किया, फटाक से नाक पे लगी, फवारा निकला खून का, नाक फट गया था पूरा, और पूरा ब्लड ब्लड। सिद्धू कह रहा मैं नॉन स्ट्राइकर से देख रहा था कि लड़का मर गया, ये खत्म है, गिर गया नीचे, सब लोग भागे भागे आए। मैंने स्ट्रेचर की आवाज दी, सिद्धू बोला, स्ट्रेचर बुलाया, जब तक स्ट्रेचर आता फिजियोथेरेपिस्ट आ गए। तब फिजियोथेरेपिस्ट के बाद बोलते हैं 2 चीजें होती थी, एक सेराडॉन और एक आइस बॉक्स, बस सेराडॉन मुंह में डाल देते थे और आइस बॉक्स लगा देते थे, चल। ये ट्रीटमेंट होता था उस जमाने के अंदर, एडवांस टेक्नोलॉजी था नहीं ज्यादा। तो इसको लगाया, फट गया पूरा, पूरे शर्ट लाल, नीचे का ट्राउजर, जूते, पिच खून से सने, 15 साल का लड़का। तो इसको स्ट्रेचर पर लिटाने लगे, तो सिद्धू कहता मेरे कान में आवाज आई, मैं खेलेगा। सिद्धू ने बोला, पक्का? सर मैं खेलेगा। 15 साल का लड़का इमरान खान को फेस करता है, नाक पे पट्टी बांध के। इमरान खान अगली बॉल करता है, ये 2 कदम आके स्ट्रेट में मारता, फटाक 4। इसने बोला सर मैं खेलेगा, नाक फटा हुआ है, पट्टी लगी हुई है, 15 साल का लड़का, 15 इयर्स। इसीलिए हर आदमी सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो जो चमक के पीछे की ऐसी की तैसी है वो कोई करवाता नहीं है साहब, ऐसी के तैसी करवाना पड़ता है यहां तक आने के लिए। दोस्तों कहते हैं जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। इस जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को सुना, ये वीडियो बहुत इंस्पिरेशन देने वाला वीडियो है। और मैं आपको बता दूं, इसे कहते हैं कमिटमेंट कि एक सचिन तेंदुलकर, आज पूरी इंडिया ने, पूरा वर्ल्ड इनको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मानता है। उसका कारण आपने इस वीडियो में देख लिया कि वो अपने लाइफ में किस तरीके से अपने ड्रीम के साथ कहीं ना कहीं अकाउंटेबल थे। वो अपने लाइफ में उनके सीनियर पर्सन कहने के बाद किया तुम छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं खेलेगा। क्यों खेलेगा? क्योंकि उनको जो अपॉर्चुनिटी मिला था
उनको जो अपॉर्चुनिटी मिला था उनको अपने आप को प्रूव करके दिखाना था, और वो किसी सीनियर पर्सन या किसी फैमिली को कमिटमेंट या अकाउंटेबल नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाना चाहते थे। उनका कमिटमेंट किसी पर्सन के साथ नहीं था, उनका कमिटमेंट खुद से था। तो आप कितना कमिटेड है, आप कितने अकाउंटेबल, आप कितनी ईमानदार है अपने बिजनेस के लिए, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी अपने अपलाइन के साथ कितना बेटर है। आपका अपलाइन क्या अपने प्लानिंग में आपका प्लानिंग करता है क्या? आज क्यों सर, वो उनका गोल आपके, वो अपना जो गोल लेते हैं वो आपका गोल उनके साथ अटैच होता है क्या? वो आप पे भरोसा कर रहे हैं क्या कि नहीं, जो व्यक्ति मेरा जो लाइफलाइन पार्टनर है उससे उनका गोल जुड़ा हुआ है। अगर आप अकाउंटेबल है ना, आप अगर कमिटेड है ना, तो 100% वो आपके गोल के साथ अपने गोल को अटैच करता है। और अगर आप अकाउंटेबल नहीं है तो फिर अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं हमको इंप्रूव करनी। अकाउंटेबल होना जरूरी है अपने अपलाइन के साथ, अपने नीचे वाले डाउनलाइन के साथ भी। दोस्तों आप जो अपने डाउनलाइन को कमिटमेंट दे रहे हैं उस चीज को हमेशा आपको प्रूफ करके दिखाने हैं, क्योंकि आप अगर डाउनलाइन को कुछ कमिटमेंट दे रहे हैं, आप उनके साथ अकाउंटेबल हैं, तो सेम चीज आपका नीचे वाला भी डुप्लीकेट करने वाला। तो हमेशा अकाउंटेबल रहना है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप जब अकाउंटेबल रहते हैं तो आपके कैरेक्टर को कहीं ना कहीं दिखाता है, आपके सही कैरेक्टर को बिल्ड करता है, और आपका लोगों के सामने कहीं ना कहीं आपके इमेज को कहीं ना कहीं बेटर करता है, आपका इमेज को कहीं ना कहीं इंप्रूव करता है। तो दोस्तों आपको हमेशा अकाउंटेबल रहना है। और अकाउंटेबल किस चीज के लिए रहना है? अपलाइन के लिए, डाउनलाइन के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने सपने के लिए, अपने ड्रीम के लिए। अकाउंटेबिलिटी अपने ड्रीम के लिए करने हैं आपको, आप कितना ज्यादा कमिटेड है अपने ड्रीम के लिए। क्योंकि आपको अगर सफल होना है ये बिजनेस में, तो सफलता आपको कहीं ना कहीं आपके सपने ही दिलाएंगे। और अपने सपने के लिए अगर आप अकाउंटेबल, अपने सपने के लिए अगर आप कहीं ना कहीं कमिटेड है, तो आप कोई बिजनेस में सफल होने से दुनिया में दोस्तों कोई इंसान नहीं रोक सकता। तो आपको हमेशा ये बिजनेस में कमिटेड रहना है, आपको अकाउंटेबल रहना है। जो आप कहते हैं, जो आप करेंगे वही बोलिए, और जो बोल रहे हैं वो कीजिए। तो दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, कहते हैं अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बने रहिए। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए परिश्रम का फल सफलता ही है। आप अगर लगातार 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 मेहनत कर रहे हैं तो आपको 100% नहीं 1000% सफलता मिलने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये विश्वास रखना है, ये बिलीफ सिस्टम रखना है कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जो लाइफ का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और इससे बेहतर प्लेटफॉर्म शायद दुनिया में आपके लिए दोबारा नहीं आएगा। तो ये एक अवसर है, इस अवसर को पूरी तरह से अपने आप को झोंक दीजिए। 3 से 6 महीने आपके और आपके पूरे परिवार की जिंदगी को बदल सकता है। सो अगेन मैं सभी लोगों को थैंक यू करना चाहूंगा, राहुल श्रीवास्तव फ्रॉम जमशेदपुर। और मैं एक लास्ट एक लाइन चीज बोलना चाहूंगा अकाउंटेबिलिटी के बारे में, कि कल मुझे ये टॉपिक मिला था, लेकिन कल मैं आउट ऑफ स्टेशन था। मैं रात के 10 बजे जमशेदपुर आया, और रात के 10 बजे इतना ज्यादा टाइट था कि मुझे एकदम ख्याल ही नहीं था कि कल मेरा ट्रेनिंग है। लेकिन आज सुबह 6:45 सुमिदा का कॉल आया, आज सुबह 6:45 रामनिवास पटेल सर का कॉल आया, और उन्होंने बोला कि नहीं ट्रेनिंग लेना है। मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं था, लेकिन मैं आपको भी ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं तुरंत लैपटॉप नींद में खोलकर बैठ गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मेरे सीनियर अपलाइन ने अगर ये आदेश दिया है, मेरे सीनियर अपलाइन ये अगर मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, तो इस अवसर को मुझे नहीं खोना है। और मैं आधे घंटे में सब कुछ देखकर वीडियो रेडी करके अभी आपके सामने ट्रेनिंग लिया। इसे भी एक एग्जांपल कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। आप कितने अकाउंटेबल है, सर ने अगर बोल दिया, इतने महान गुरुदेव अगर बोल दिए हैं, तो उस चीज को मैं कहीं ना कहीं रिफ्यूज नहीं करूंगा। तो मैं अपने तरफ से कोशिश किया कि कुछ छोटा सा नॉलेज इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। तो थैंक यू सो मच, अगर मेरे तरफ से कुछ भी ऐसा गलती हो तो माफी चाहता हूं। सो थैंक यू सो मच, एंड बैक टू होस्ट सुमेधा मल्लिक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार सर। आपने जिस तरीके से इस सेशन को लिया, बहुत ही अमेजिंग थी, और बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने जिस तरीके से आज का सेशन को एकदम पॉइंट टू पॉइंट, आपने जिस तरीके से डिटेलिंग किया, वीडियो दिखाया,
इट वॉज रियली अमेजिंग। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज के हमारे जो राहुल श्रीवास्तव सर ने जिस तरीके से ट्रेनिंग सेशन को लिया, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। दोस्तों कहते हैं कि मंजिल का मिलना तो तय है अगर हम प्रयास करना ना छोड़े। दोस्तों अगर हम में से जीतने की जिद हो, अगर हम में से खुद में अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियों भी हरा नहीं सकती। इसीलिए शिखर अभी दूर है, उठो दौड़ो भागो, यही समय उत्तम है, तो साहस के साथ जागो। दोस्तों आज आपके पास समय है, आपके पास टाइम है, तय कर लो जाना कहाँ है, नहीं तो उम्र भर चल कर भी कहीं नहीं पहुंचेंगे। जय हाईरिच, घर घर हाईरिच। तो ये दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा ट्रेनिंग सेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट आगे की ओर। क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ हमारे इस शानदार से प्लेटफॉर्म में, इस शानदार से ट्रेनिंग सेशन को लेके कितने सारे अचीवर्स, कितने सारे लोग जो एक बहुत ही शानदार तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, क्या आप उनके एक्सपीरियंस को सुनना चाहेंगे? चलिए दोस्तों अब हम हमारे ग्रेट डायमंड लीडर्स के एक्सपीरियंस को सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी जो रायपुर छत्तीसगढ़ से है, जो बहुत ही ग्रेट डायमंड लीडर है, जो अपने बिजनेस को बहुत ही शानदार तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम रंजीत सिंह राजपूत सर, सेलिंग अचीवर फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। मोस्ट वेलकम रंजीत सर। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जबरदस्त, मैं तो डूबा हुआ था आज की ट्रेनिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर, इतना बेहतरीन तरीके से आपका ट्रेनिंग रहा आज का, और बहुत जबरदस्त सिस्टम मीटिंग आपने लिया। और मैं तो आज से 10 साल पुराने दुनिया में चला गया था, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। मेरा नाम रंजीत राजपूत और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। आज से 6 महीने पहले सितंबर में मैंने हैरी चैलेंज शॉपी ज्वाइन किया था, और उस समय हम लोग एक डरते डरते एक डिसीजन लिए थे, होगा नहीं होगा, क्या होगा, शॉपी नहीं है यहाँ पर, बहुत सारे सवाल आते थे लोगों का। लेकिन आज 6 महीना हो चुका है और मुझे बताते हुए इतना खुशी हो रहा है कि उस समय एक निर्णय हमने लिया था हैरीज करने का, और वो आज छत्तीसगढ़ में नहीं पूरा हिंदुस्तान में साबित हो चुका है। आज शॉपियों की पूरा झड़ी लग चुकी है, लाइन लग चुकी है, हमारे सारे सीनियर आज शॉपी ओपनिंग में बिजी है। आज हमारे पटेल सर आज अंबिकापुर में है, लगातार लोग उससे शॉपी के लिए संपर्क कर रहे हैं। अभी मेरे टीम में कम से कम 5 लोगों का पेमेंट इस हफ्ते डलने वाला है, लगभग भाटापारा, बलौदा बाजार, मुंगेली, आपका रेणुकूट, डोंगरगांव, सारे लोग पैसा लेके बैठे हैं। तो ये आज स्थिति है। आज टीम की अगर बात करूं, लगभग 22,000 लोगों की मेरी टीम हो चुकी है। मेरे टीम में 75 लोग ऐसे हैं जो 5,000 के इनकम को टच कर चुके हैं, और मेरा जो इनकम है लगभग 4.5 लाख रुपया 6 महीने में। तो एक माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त, एकदम शानदार, आज के डेट में हैरिच एक ब्रांड बन चुका है पूरा हिंदुस्तान में। आज हर के जुबान में हैरिच 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 है। तो एक निर्णय करने की जरूरत है, जैसे राहुल सर बोल रहे थे, अगर आप सिस्टम को पालन करते हैं, अगर आप सिस्टम को पालन करते हैं बेशक। आज हम लोग हमारे ग्रेट गुरु राजकुमार मनोहर सर, जिसको हम लोग दिल से नमन करते हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में छोटा सा बीज बोया था, आज वो एक विशाल वृक्ष बन चुका है। हमारे टेक्निकल गुरु राहुल नेतकर सर, हमारे भीष्म पितामह राम निवास पटेल सर, और हमारे संदीप सर, नरेश नाग सर, और मेरे सारे लवली डाउन लाइन जो तेजी से कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो मैं एक ही चीज मैसेज देना चाहूंगा कि आने वाले 2022 में मेरा जो टारगेट है अपने टीम में, 100 लोग ऐसे रहेंगे जो 1 लाख रुपए की इनकम में रहेंगे। और मैं खुद का एक ड्रीम फिक्स किया हूं जिसके पीछे मैं भाग रहा हूं। मेरे को 2022 में 50 लाख का जो मेरा ड्रीम हाउस है उसमें गृह प्रवेश करना है। तो हैरिच है तो सारा चीज संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेधा मैम, जो आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार, बहुत ही ग्रेट। आपने अपने एक्सपीरियंस को और जर्नी को इतनी शानदार तरीके से कम शब्द में इतने
बहुत ही बढ़िया, आपने जिस तरीके से शेयर किया इट वॉज रियली ग्रेट, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इस महीने के टारगेट बहुत ही शानदार तरीके से ली है, इट वॉज रियली ग्रेट। दोस्तों कहते हैं कि सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है और मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोते नहीं, तो जाग जाओ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे डायमंड लीडर्स हैं जो बहुत शानदार तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, अपने सपने को पूरे कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं इन्वाइट करने जा रही हूँ एक ग्रेट लीडर जो रायपुर छत्तीसगढ़ से है, तो मोस्ट वेलकम भरत चंदनिया सर फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़, सेलिंग अचीवर, मोस्ट वेलकम भरत चंदनिया सर। थैंक यू सुमेधा मैम, आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया, और राहुल सर का तो लाजवाब ट्रेडिंग, बाकी मैं दिल को छू गया। बहुत छोटे छोटे टॉपिक पे हमें याद दिला दिया कि हम क्या कर सकते हैं, हमें कैसा करना चाहिए, जबरदस्त रहा। आज वो निर्णय था जिसके वजह से मैं यहाँ पे सीलिंग अचीवर कर पाया, तो आखिर में निर्णय लेना चाहिए, किसी भी काम को अगर करना है तो आपको दिल से निर्णय लेना पड़ेगा, तन मन धन पूरा झोंकना पड़ेगा आपको, तब जाके आप इस अचीवमेंट को पाते हैं। आज से मैंने भी 6 महीना पहले इस कॉन्सेप्ट को देखा था, मेरे महागुरुदेव मेरे बड़े भैया जिसने मुझे इस कॉन्सेप्ट पे लाया, श्री श्री रामनिवास पटेल सर, जिसके माध्यम से मैं हाई रिच को जाना पहचाना और इसमें मान सम्मान पाया। तो मैं अपने बड़े भैया को चरण वंदन करता हूँ, साथ में 5 पांडव जो आज हिंदुस्तान का पहचान बन चुका है। आज मेरी टीम की बात करूँ तो लगभग 25,000 होने को जा रहा है, और परसों की डेट में 12 तारीख को छत्तीसगढ़ रायपुर में एक दूसरा शॉपिंग का आगाज होने जा रहा है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को 12 तारीख का उस रायपुर छत्तीसगढ़ का जो बहुचर्चित बहुप्रशिक्षित शॉपिंग है उसमें ओपनिंग में आप सभी को इनवाइट करना चाहता हूँ। थैंक यू मैडम, आपने मुझे मंच पे बोलने का मौका दिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही शानदार, और थैंक यू सो मच कि आपने हम सबको इनवाइट किया, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि 12 तारीख को आपकी शॉपिंग के वहां इनॉग्रेशन है, तो थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, एक नेक्स्ट अचीवर, एक नेक्स्ट लीडर की ओर बढ़ते हैं जो बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही धमाकेदार तरीके से इस बिजनेस को कर रहे हैं, आगे की ओर लेके जा रहे हैं, अपने सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर हाइरिच साहू सर फ्रॉम कोंडागांव छत्तीसगढ़, तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर साहू सर, मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। आज का ट्रेनिंग सेशन राहुल जी का अमेजिंग, शानदार, जानदार, बहुत ही बढ़िया। मुझे वो पुराने दिन याद आ गए जब मैं खुद ये ट्रेनिंग सेशन लिया करता था, और आपकी होस्टिंग का तो लाजवाब ही नहीं। मैंने सोचा कि ये इतना अच्छा होस्टिंग कर रही हैं, आपने मेरा नाम हाई रिच लेकर पुकारा। वैसे तो मैं HR साहू हूँ, बट हमारे ग्रेट अपलाइन मेरे मेंटर जी ने मेरा नाम हाई रिच रख दिया, रामनिवास पटेल सर ने, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनके मार्गदर्शन पे चलते हुए 2 दिन पहले ही मैंने शिलिंग अचीव किया है, और आगे बहुत जल्दी जल्दी मैं अपने टीम के 4-5 लोगों को इस महीने शिलिंग अचीव करवाऊँगा। ये ट्रेनिंग जो है सुबह सुबह का 20 साल के MLM के LMM में जो कर रहा हूँ, ऐसे ट्रेनिंग आज तक मैंने नहीं देखा। लाजवाब ट्रेनिंग होती है सुबह की, और शाम का प्रेजेंटेशन जो प्लान प्रेजेंटेशन होता है, एक से एक लीडर्स जो प्लान प्रेजेंट करते हैं, जिसके कारण से हाई रिच बहुत तेजी से पूरे देश में फैलता जा रहा है आग की तरह। तो ज़्यादा समय की कमी है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मेरे 5 पांडव गुरुजनों और ख़ास करके रामनिवास पटेल सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पर इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया, और आपने इतने बढ़िया तरीके से मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमन है। थैंक यू वेरी मच मैडम।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त, थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एक डायनेमिक लीडर, एक नारी शक्ति को मैं इनवाइट करने जा रही हूँ। दोस्तों कहते हैं कि तू गिर कर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते ही रहना, ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। बिल्कुल, आपकी किस्मत पलट सकती है दोस्तों, बस जगे रहो। तो दोस्तों एक नारी शक्ति को मैं इनवाइट करने जा रही हूँ, जो एक बहुत ही शानदार ग्रेट लीडर अपने घर को, बच्चे को, पति को, पूरे घर को संभालते हुए अपने सपने को साकार करने के लिए इस बिजनेस में आई है, सक्सेस की ओर आगे बढ़ना चाहती है। तो मोस्ट वेलकम ज्योति गंगराडे मैम फ्रॉम इंदौर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच सुमेधा मैम, आपने मुझे यहाँ पैनल पे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम ज्योति गंगराडे है, मैं इंदौर से हूँ, और जैसा कि मैम ने कहा कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं हाई रीच में आई हूँ, तो बिल्कुल सही है, और लगातार प्रयास करते करते मैं आगे बढ़ रही हूँ। और एक जो पहली सीढ़ी को पहुँचने के लिए जो प्रॉब्लम शुरू में आती है वो मेरे साथ भी हो रही है, लेकिन कहते हैं ना कि हमें एक हाथ अपलाइन का पकड़ना है और एक डाउनलाइन का, तो मैं मेरे जो ग्रेट ग्रेट अपलाइन है राहुल श्रीवास्तव सर, सुमेधा मैम, सत्यम जी और बाकी जो पूरी है, जो सब लोग ने मेरे हाथ को इतने अच्छे से थामा हुआ है कि कभी कभी बहुत नर्वस भी हो जाती है, थोड़ा दिमाग वो हो जाता है, लेकिन उस समय भी हम लोगों को इतने अच्छे से संभाले हुए हैं, और यहाँ पे हिम्मत कभी हारने वाली नहीं हूँ मैं, और मेरे जल्दी ही जल्द मतलब एक दिन या दो दिन हो सकता है आज भी मैं ये पड़ाव पूरा करूँ और जल्दी सीलिंग अचीवर बन के और आप लोगों के सामने अपनी जो जर्नी है उसको रखूंगी और वो शेयर करूंगी कि कैसे मैंने ये चैलेंज को हरा कर मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगी, और उसके बाद फिर कभी ना रुकने वाली जर्नी मेरी बनेगी कि कभी रुकना ही नहीं है, उसके बाद पीछे पलट के देखना नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना, और अपना नाम, अपने मम्मी का, पापा का, सबका नाम रोशन करना है, और हाई रीच में अपने आप को पूरा छा जाना है। तो थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों कहते हैं ना कि आपके सपनों में एक आग होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, वो हमने मैम से देखा, वो आपने सुना कि सपनों से मोहब्बत करो, मेहनत में सुकून मिलेगा। तो मैम ने अपने सपनों से मोहब्बत की है, इसीलिए वो आगे की ओर बढ़ते जा रही है और आगे की ओर, सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मैं एक नेक्स्ट ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी। कहते हैं दोस्तों की उम्र की कोई, कहते हैं कि किसी चीज को करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई भी कर सकता है, बस आग होनी चाहिए, अपने में जुनून होना चाहिए। कहते हैं कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए, खुद में एक आग पैदा करना है, खुद में एक जुनून पैदा करना है। तो मैं अभी एक ग्रेट लीडर को इन्वाइट करने जा रही हूँ, जिनका 60 years, जो 60 साल की उम्र है, जो इनका सपना बहुत तेज है, जो सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम रंजीत सिंह गोहिल सर फ्रॉम गुजरात, मोस्ट वेलकम रंजीत सर। रंजीत सिंह गोहिल सर, सर अगर आप मीटिंग पर है तो प्लीज हैंड रेज करें। आगे बढ़े मैम, शायद नहीं होगा सर। ओके, तो थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट एक ग्रेट डायनेमिक लीडर को इनवाइट करने जा रही हूँ, जिनका शॉपी ओनर है, जो बहुत ही शानदार तरीके से अपने बिजनेस को भी बिल्ड कर रहे हैं और सक्सेस के और आगे बढ़ रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम मनोज जायसवाल सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया।
और मेरे सारे अप्लाई आरके मनहर सर, जोशी जोफर सब, रामनिवास पटेल सर, संदीप सर, वर्मा सर, सारे अपलाइनों को मैं चरण वंदन करता हूँ। और इन्हीं लोगों के मार्फ माध्यम से आज अपने एक छोटी से गांव में सौपी की उद्घाटन 14 तारीख को करने जा रहा हूँ मैडम। और इसी पैनल के माध्यम से पूरे भारत की सभी लीडरों को मैं सौपी उद्घाटन के लिए आमंत्रित करता हूँ। एक छोटी सी गांव है मैडम, यहाँ गिदौरी छत्तीसगढ़ में फेमस है, गिदौरी के पास पश्चिम की ओर 10 से 15 किलोमीटर गांव में है। और मेरी टीम साइज की बताऊं मैडम, एक छोटी सी 1500 समथिंग टीम की साइज है। और मैंने सेलिंग एचीवर की 10 की टारगेट लिया हूं मैडम, 5 एचीवर हैं। और सभी का मार्गदर्शन मेरे गुरुदेव को पर जाता स्रोत है। इसमें इनकम की बात करें मैडम, सभी लोग प्लान दिखाते ही इनकम की दर, इनकम की कोई वैल्यू नहीं है। और इनकम को सभी के धीरे धीरे बढ़ती जा रहे हैं। सौपी ओमन होने के लिए सर, सभी का गुरुदेवों का मेन स्रोत जाता है, उन्हीं के मार्गदर्शन में आज अपने गांव में एक छोटी शॉपिंग है। और बिजनेस की बात करूँ मैडम, मैं आया था बिजनेस में, 4 महीने हो गए मुझे, 4 महीने से रनिंग है। मैं फेसबुक के माध्यम से आया था मैडम इसमें, और वह अमित वर्मा सर हैं जिसके हर पल, हर गाइडलाइंस में, हर समय मुझे सही गलत के मार्गदर्शन देते आ रहे हैं। थैंक यू सर वर्मा सर। सभी लीडरों को एक बार फिर से पुनः मैं आमंत्रित करता हूँ कि 14 तारीख को अपने गांव में सौपी ओनर हैं, ओपनिंग है, आप सबको सादर आमंत्रित हैं। थैंक यू मैडम, मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सर आपको, तो थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट मैं एक ब्रांड न्यू सेलिंग अचीवर को इनवाइट करने जा रही हूँ, जो बहुत ही शानदार तरीके से अपने मेहनत के साथ एक ब्रांड न्यू सेलिंग अचीवर यानी कि पहली मंजिल को टच किया। तो मोस्ट वेलकम टिकेराम पात्र सर फ्रॉम ओडिशा, ब्रांड न्यू सेलिंग अचीवर, मोस्ट वेलकम टिकेराम पात्र सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सर। मेरा तो 3 दिन हो गया सेलिंग होके, तो फर्स्ट दिन मेरे को बुलाया था लेकिन मेरे तबीयत ठीक नहीं था तो मैं आ नहीं पाया। थैंक यू सभी सारियों साथियों को मेरा चरण वंदन नमस्कार साथ। और मेरे को इतना बड़ा जूम पैनल ने बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू रामनिवास पटेल सर, मेरा मेंटर गोलोक बिहारी सुना सर, भरत माझी सर, तहे दिल से नमस्कार सर की वजह से आज मैं हाई रिच में आया हूँ सर, और पहला मंजिल को मैं टच किया, इसीलिए सर सभी लोगों को मेरा नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही शानदार। तो चलिए दोस्तों, एक और ब्रांड न्यू सेलिंग अचीवर है जिन्होंने अपने मेहनत के साथ, अपने जो ताकत के साथ पूरी तरह से इस बिजनेस को बिल्ड किया है। तो थैंक यू सो मच टिकेराम पात्र सर कि आपने बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया है, कि आपने ब्रांड न्यू सेलिंग अचीवर पहली मंजिल को टच की, थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट हमारे ग्रेट ग्रेट गुरु, जो महागुरु को इनवाइट करने जा रहे हैं, जो हमारे नारी शक्ति को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं, जो हमारे नारी शक्ति को सम्मान के साथ सक्सेस की ओर लेके जा रहे हैं, जो नारी शक्ति को इतने ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, नारी शक्ति को लेके हमेशा शब्द कहते हैं कि नारी शक्ति है वो सम्मान है, नारी गौरव है, वो नारी अभिमान है, नारी ने ही ये रचा विधान है, नारी शक्ति को शत शत प्रणाम। तो अब मैं इनवाइट करने जा रही हूँ हमारे भीष्म पितामह, जिसे हम कहते हैं उम्र है 55 का, दिल है 55 का, जी हाँ, जो बहुत ही शानदार ग्रेट लीडर, हमारे गुरु, हमारे ग्रेट अपलाइन। तो मोस्ट वेलकम रामनिवास पटेल सर फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़, मोस्ट वेलकम सर। यस 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 यस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माइंड ब्लोइंग आज का
ट्रेनिंग हमारा बहुत ही शानदार रहा। राहुल श्रीवास्तव जमशेदपुर की आन बान शान, जिस तरह से मुस्कुराते हैं आप, ऐसे तो कोई कली नहीं खिलती, मैंने आपको देखा है। बहुत ही शानदार सुमधुर आवाज के धनी राहुल श्रीवास्तव जी, और हमारी बिटिया आज शानदार होस्टिंग, आज सुबह इनको हमने जगाया और बढ़िया शानदार एक सुंदर समन्वय सुमधुर आवाज में आज का होस्टिंग एंकरिंग लाजवाब। और जो आज अगर कमाना है मोर तो बन जाइए कोर, बहुत ही शानदार आज का ट्रेनिंग। ये स्टेप जो है, ये जो ट्रेनिंग है कमांडो कोबरा की, आपको कमांडो बनना है। यस, हमारे मनहर जी बोलते हैं कमांडो कोबरा नाम दिया है तो कमांडो ही बने रहना है। किसी भी वक्त आपको बुलाया जा सकता है, एनी टाइम 24/7 आप तैयार रहिए हाई रिच में, और सीखने के लिए और सिखाने के लिए भी, तभी हाई रिच शिखर पर जाएगा। और यकीनन शिखर पर जाएगा, वो वक्त आ चुका है। अभी हमारा रनवे पर चल रहा था हाई रिच, बट आज चारों तरफ जय जयकार हो रही है हाई रिच की, जय जयकार हो रही है, हाहाकार मचा है हाई रिच हाई रिच हाई रिच। और बढ़िया है, शानदार है, इस तरह से करना है। अपलाइन डाउनलाइन की महत्ता का जो एक वीडियो दिखाया, बहुत ही शानदार लगा, कैसे अपलाइन डाउनलाइन खींचता है और आगे बढ़ाने के लिए कोई पार कराता है, उसकी नैया पार कराता है, आपने देखा सिखाया राहुल, बहुत ही शानदार लगा और दिल को छूने वाला ऐसा वीडियो, बहुत बढ़िया शानदार। और लीडर बनाने, ये जो लीडर्स बनने का बिजनेस है मेरे यारो, ये साबुन सोडा सरफ तेल तो बहाना है, आपको लीडर बनना है और इस भारत देश को सिरमौर बनाना है अच्छे लीडर बनके। अवसर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। आपको नीड है आज जो है पैसे की, तो फेथ करिए हाई रिच पर, और लगातार लगातार ये मोटिवेशन आपको मिल रहा है। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वही असल में जीवन जीते हैं। सरदार पटेल, बाबा भीमराव अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, ये दूसरों के लिए जिए, अपने टीम की सेवा करना है और उनके लिए मददगार बनना है, इस बिजनेस की बड़ी सफलता के लिए आवश्यक है। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। लीडरशिप जो एक दिल जीती है, लीडर केयरिंग होता है। राहुल श्रीवास्तव एक केयरिंग लीडर मैंने देखा है, पर्सनली मिला है, लगातार अपनी टीम का बराबर ख्याल रखता है, ऐसे लीडर हमको चाहिए। मैं अपने इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में आप लोगों से हमेशा यह कहता रहता हूं कि एक लीडर सबसे बड़ा सेवक होता है, और आप लीडर तभी बन सकते हैं जब आप सही में खुशी से लोगों की सेवा कर सके। हमेशा उत्साहित रहिए। आर यू एक्साइटेड? यस। आर यू एक्साइटेड? यस। हमेशा एक्साइटेड, उत्साहित रहिए। वो ऐसा मुंह बना के नहीं घूमना है, जैसे मैं बोलता हूं कई बार, लीडरशिप एक सचमुच बड़ी जिम्मेदारी है, और आपको भगवान उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी देते हैं जिसके लायक हो, जिसके लायक वो समझते हैं ये उठा सकता है ये हाई रिच का बोझ। ईश्वर आपको उतनी ही टीम देंगे जिसकी जिम्मेदारी आप संभाल सकें। आपकी टीम इतनी बड़ी है तो उसको आपकी जिम्मेदारी संभालना पड़ेगा। अगर आपको एक बड़ी टीम चाहिए तो आपको एक अपनी बड़ी लीडरशिप की क्षमता को भी बढ़ाना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और जगाना पड़ेगा। क्या आप अपने अभी भी 4 लोगों को, 8 लोगों को, 10 लोग जगाते हैं सुबह? जगाइए, कोई जागे या ना जागे मुकद्दर उनका, आपका फर्ज है आवाज लगाते रहना, लगाते रहिए, जगाते रहिए। अगर आपको एक बड़ी टीम चाहिए तो आपको क्षमता अपनी बढ़ाइए, अपनी लीडरशिप क्षमता को बढ़ाते रहिए, और आपका बिजनेस लगातार लगातार बढ़ता रहेगा, एक दिन में नहीं बढ़ेगा, लगातार। हमने भी आज से 11 माह 3 दिन हो गया, लगातार लगातार चल रहे हैं। आज मैं अंबिकापुर में हूँ, कल मैं जो है रायपुर में रहूंगा, पूरा भारत भ्रमण कर रहा हूँ, जगा रहा हूँ सबको, एक माहौल तैयार कर रहा, क्रिएट कर रहा हूँ, हाई रिच चारों तरफ इस देश ही नहीं दुनिया में हाई रिच के नाम से, आप हाई रिचिन के नाम से जानेंगे। तो भगवान सबकी मदद नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग लीडर बनाए हैं, हाई रिच लीडर बनाए हैं। तो बहुत ही सुंदर है, आप एक लीडर बनिए, बढ़िया अपने लीड करते रहिए। जिम्मेदारी अभी नहीं तो क्या हुआ, कल आपको लीडर बन जाएंगे, मुझे मालूम है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और जो आर्थिक आजादी दिला दे, बेरोजगारी दूर कर दे, 5,000 रोजाना दिला दे,
उसे हाई रिच का चिराग हाई रिच कहते हैं, यही है हाई रिच। तो बहुत सुंदर रहा आज का, सब कुछ बढ़िया शानदार। हाई रिच हो मेरे, हाई रिच हो मेरे, तू है तू दुनिया कितनी हसीन है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। हाई रिच हो मेरे, हाई रिच हो मेरे, तू है तू दुनिया कितनी हसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। अरे तुम हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, ये जो तेरी कैपिंग है सीलिंग है बहुत ही प्यारी है, और 5,000 कमाने से बढ़ जाती है अपनी कीमत भी, अपनी कीमत भी। हाई रिच हो मेरे, हाई रिच हो मेरे, तू है तू दुनिया कितनी हसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओ कुछ भी नहीं है। हाई रिच हो मेरे, हाई रिच हो मेरे, तू है तू दुनिया कितनी हसी है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और सुमेधा मैडम की शानदार एंकरिंग के लिए, और हमारे राहुल श्रीवास्तव शानदार, दोनों युवा 22-22 साल के लड़के, शानदार आज की बढ़िया ट्रेनिंग रही और शानदार ट्रेनिंग। वंस अगेन यू आर, थैंक यू, शुक्रिया, ग्रेट थैंक्स बोथ ऑफ यू एंड हमारी समस्त लवली टीम, हमारे लल्ला श्याम स्वामी जी, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ सर को बुला लेंगे, होस्ट हैं, 2 मिनट के लिए बस, फिर बाइंड अप करेंगे। सिद्धार्थ सर, डायमंड हमारा सिद्धार्थ, शानदार लीडर, यू आर मोस्ट वेलकम। डायमंड सिद्धार्थ को बुलाइए। सिद्धार्थ सर, यू आर मोस्ट वेलकम, हमारे ग्रेट डायमंड लीडर सिद्धार्थ सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सुमिता मलिक मैम, डैशिंग पर्सनालिटी, यू आर ग्रेट एंड ब्राइट फ्यूचर मैम, आप आगे तक बहुत बड़ा लंबा सफर तय करेगी हाई रिच के साथ ब्रांड बनके। यस थैंक यू, आपने मुझे इतने बड़े पैनल पर बोलने के लिए इनवाइट किया, दिल से ग्रेटफुल, थैंक यू। दोस्तों, अपने बीच एक मिलिट्री पर्सन है, ओम प्रकाश पैकरा जी, यदि आप है तो प्लीज हैंड रेज करेंगे। सर, आपका जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि आपको कुछ बोलना है हाई रिच के बारे में, तो प्लीज ओम प्रकाश पैकरा सर जो मिलिट्री जवान है, यदि आप कंफर्ट जोन में है तो हैंड रेज करेंगे। सर, आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे हाई रिच की कहानी। यस, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आया सर, प्लीज कंटिन्यू। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इतने बड़े पैनल पर बोलने का मौका दिया। हालांकि मेरा नाम ओम प्रकाश पैकरा है, जो कि मैं जशपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैं पुलिस विभाग में हूँ जशपुर में ही, जो मेरी ड्यूटी चलती है पुलिस लाइन में चलती है, जो कि मैं 2014 से इस पद पर हूँ, जो कि मुझे 8 साल पूरे हो चुके हैं। 8 साल से मैं पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ। और इसके बारे में मुझे राजीव लकड़ा है, जो मेरा बचपन का मित्र है, उसने मुझे इसके बारे में बताया था, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने जस्ट तुरंत ही ज्वाइनिंग कर लिया। उसके बाद हमने, मेरे पास उतना टाइम रहता नहीं है, तो मैंने जो भी समय मिलता था वो समय को मैंने लेकर धीरे 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 काम किया। मैंने दिसंबर में ज्वाइनिंग किया था 12 तारीख को, तो फिर हमने उस वक्त मैंने टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि वो जो है त्योहारों का बहुत ही माह रहता है, तो हमने जनवरी से धीरे धीरे स्टार्ट किया राजीव के साथ में। और उसका साथ मुझे एक, दोनों जन मिल के हमने काम किया, जो एक दूसरे की परछाई बनकर हमने काम किया था, उसका मेरा बहुत साथ दिया। और साथ में ही एक और मेरे हमारे अपलाइन है, जो कि डॉक्टर रोहित साहू सर हैं, जो रायपुर में रहते हैं, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्हीं के हमें मार्गदर्शन पर हमने काम किया, और धीरे 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 करके मैंने आज फर्स्ट सीलिंग अचीव किया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रोहित साहू सर, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं अपने खुद के लिए नहीं, मैं दूसरों के लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे
काम ही है कि समाज सेवा। समाज सेवा भी बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। अब मेरे जितने डाउनलाइन हैं उन्हीं की वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। और मेरा जो नेक्स्ट काम है कि लोगों को भी मुझे आगे पहुंचाना है, मुझे हर घर हरिश पहुंचाना है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि लोग। थैंक यू ओम प्रकाश जी, आपने बहुत ही शानदार अपना शेयरिंग दिया। दोस्तों, मायसेल्फ डायमंड सिद्धार्थ गोंदिया महाराष्ट्र, पांच पांडवों के बीच कर्ण की भूमिका में, और सबसे ज्यादा सीखता हूं मैं हमारे कृष्ण मुरारी जो भी जोसेफ सर, साथ में रामनिवास पटेल जी, भाई संदीप जी, भाई राहुल जी एंड नरेश नाग जी, और इन सभी के सानिध्य में। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने इस सफर की शुरुआत करी थी, एक नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन कहा जाता है नामुमकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि करने वाले की कहानी बताती है कि मुमकिन है या मुमकिन। दोस्तों, सिर्फ एक बात बोलते हैं, आप पैसा कमाना नहीं चाहते। आप सभी लोग आज सुबह उठने के बाद, अपनी इष्ट क्रिया करने के बाद में भी आप अभी भी खड़े हैं, 1000 लोगों के बीच में 600 लोग बने हैं। दोस्तों, आप सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहते, बल्कि बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि आपके सपने अभी भी जिंदा है, सांस ले रहे हैं। तो उन सपनों की कसम खाकर हाई रिच को दिल और दिमाग से प्रमोट करना शुरू कर दीजिए, जिस तरह से आज राहुल श्रीवास्तव जी ने अंतरात्मा से बताया अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप एंड बिल्ड नेटवर्क। यदि राहुल सर की बातों को आपने नोट डाउन किया होगा, तो नो डाउट आपकी जिंदगी में कल से नोटों की बरसात होने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए दोस्तों, टाइम ज्यादा हो चुका है, मेरे साथ आप सभी लोग एक बार जो गुंज हमेशा गुंजती है, पूरे भारत के कोने कोने में गुंजना चाहिए, जय हरीच। जय जय हरीच, जय जय हरीच, जय जय हरीच, सब कुछ हरीच।